जमशेदपुर के आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक स्थित दयाल ट्रेड सेंटर भवन में त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से इस अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नेत्र रोग से संबंधित इलाज को सूक्ष्म तरीके से जाना। उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समेत नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक केडिया और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल आम लोगों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विवेक केडिया और इनका परिवार मानव सेवा के उद्देश्य से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी नेत्र विकार हैं उसके लिए विभिन्न नेत्र अस्पतालों से सामंजस्य स्थापित कर इन विकारों को दूर करने का भी प्रयास सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत नेत्र विकार का इलाज नहीं हो पा रहा है, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल जो खुला है, ये यहाँ के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित तौर पर मैं बहुत इनको शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक अच्छे कोच के लिए, और चूंकि एक ऐसा परिवार है जो परिवार में शुरू से मानवीय दृष्टिकोण में अपने जीवन को जिया है, चाहे मुरलीधर केडिया जी हो, चाहे उनके तीनों पुत्र हो, पूरे परिवार ने सामाजिक दायित्वों का हमेशा निर्वाह किया है। अपने व्यावसायिक दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का गंभीरता से निर्वाह किया है, और मेरा ये प्रयास हो रहा है कि मैं जितने भी कॉर्निया जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या उनका सदुपयोग नहीं होता है, तो उसको एक चेन के रूप में आपस में कोऑर्डिनेशन करके, अस्पतालों का कोऑर्डिनेशन करके उस कॉर्निया को बर्बाद होने से रोकूं, ताकि जिन लोगों में इस तरह के नेत्र विकार हैं और जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट से उनको आँख की रोशनी आ सकती है, तो उनको इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। दूसरा है कि जितने भी हमारे आई बैंक हैं उनको चूस दुरुस्त भी करना होगा और लोगों को अवेयरनेस भी लाना होगा, और जितने भी अस्पताल हैं उस अस्पताल के साथ जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो आई डोनेशन के लिए प्रेरित करते हैं, तो वैसे संस्थानों के साथ अस्पतालों का टाइप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अस्पताल में जब कोई किसी की मृत्यु हो तो वो संस्थाएं उनको तुरंत खबर हो और वो संस्थाएं जाकर मृत परिवार को सांत्वना भी दें, ढांढस भी बधाएं, साथ ही साथ उस परिवार को इस बात के लिए भी राजी करें कि उनके मृत व्यक्ति की आंख से दूसरे व्यक्ति को जीवन दान मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को नेत्र दान करने से दूसरे व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की आंख से दुनिया देख पाएंगे। तो ये एक आपस का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, आपस का सामंजस्य हो सकता है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग इसको प्रेरित करने की भी, और इसी के साथ साथ ऑर्गन डोनेट करने के लिए भी वो संस्थाओं के साथ अस्पतालों का टाई अप कराना जरूरी है कि ऑर्गन डोनेट भी लोग करें। तो इसके लिए जैसे ही किसी अस्पताल में कोई मृत्यु होती है तो वो संस्था तुरंत उसमें, चूंकि इसमें एक समय सीमा होती है और समय सीमा के अंदर यदि ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनके मृत शरीर की भी बहुत सारे ऑर्गन से दूसरे लोगों की जान बच सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अस्पतालों का खुलना मैं समझता हूँ कि अच्छा है। नहीं, अभी उस सारी चीज़ों को लेकर अभी हम लोग फिर से कार्य योजना बना रहे हैं कि कहाँ क्या कमी खामी हुई है, किन परिस्थितियों में किस तरीके से सरलता और सुगमता से लोगों का इलाज हो जाए। सबसे बड़ी बात होती है कि इलाज तो एक ऐसी विधा है कि जिसमें आपको समय रहते सारी व्यवस्था करनी है,
तो ये कैसे सरल हो, पेचीदगी कम हो, इसके लिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, इसके लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। टफन XT600 HCR TNT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।